subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome back friends to the another video tutorial from XPhysio, a complete guide to explore your physiology. So in this video tutorial, we are going to talk about our buccal cavity. पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमंस तक बात की थी। अब हम टीथ के बारे में आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन टीथ दो बार आती है, दैट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। वो जो 2123/2123 वाला फॉर्मूला था वो परमानेंट टीथ का फॉर्मूला था। मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या है अब मैं वो बात करूंगी। दो बार ह्यूमंस के दांत आते हैं, बच्चों के दांत और बड़ों के दांत, दैट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। इसलिए ह्यूमन डेंटिशन को कहा जाता है डाइफायोडोंट डेंटिशन। डाई मतलब दो, सो दो बार जिनके दांत आते हैं उनको डाइफायोडोंट डेंटिशन कहते हैं। मिल्क टीथ 32 नहीं आते, सिर्फ 20 मिल्क टीथ आते हैं, 10 ऊपर मैक्सिला में और 10 नीचे मैंडिबल में। तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या हुआ? इंसाइजर्स इनके भी होते हैं दो इस साइड को, कैनाइन होता है एक, प्रीमोलर होते ही नहीं है, बच्चों के प्रीमोलर आते ही नहीं है, सो जीरो। एंड लास्ट में मोलर्स, बच्चों के सिर्फ दो मोलर्स आते हैं, दैट इज 2102/2102। तो बच्चों के इंसाइजर्स आते हैं, कैनाइन भी आते हैं, प्रीमोलर्स आते ही नहीं है, फिर मोलर्स में लास्ट मोलर नहीं आएगा, लास्ट मोलर जो परमानेंट डेंटिशन है ना उसका भी एकदम से नहीं आता है। जैसे जैसे मिल्क टीथ आना शुरू होते हैं अराउंड 6 महीने पे, एट अराउंड 6 मंथ ऑफ एज मिल्क टीथ स्टार्ट टू कम, देन फॉर अराउंड नेक्स्ट 2 इयर्स द मिल्क टीथ कीप ऑन कमिंग, वो आते रहते हैं। अराउंड 12 साल की एज तक तुम्हारा परमानेंट डेंटिशन है वो पूरा होना शुरू हो जाता है, मिल्क टीथ टूटना शुरू हो जाता है और परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाता है। विजडम टीथ लास्ट में आता है, जब बच्चा 17-18 साल का होता है तब तक एक बार विजडम टूथ आता है, जो लास्ट मोलर आता है, ठीक है, वो तो बच्चों के प्रीमोलर्स नहीं आते और लास्ट मोलर नहीं आता, सो प्रीमोलर्स और लास्ट मोलर्स मोनोफायोडोंट है। ह्यूमन टीथ हेटेरोडोंट भी होते हैं, हेटेरो मतलब अलग अलग प्रकार के, डोंट मतलब दांत, आपके पास अलग अलग प्रकार के दांत है, आपके पास इंसाइजर्स है, कैनाइंस है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है, तो आपकी हेटेरोडोंट डेंटिशन है। ये अगर जॉ है तो जॉ के ऊपर ऐसे दांत नहीं चिपका हुआ है, अगर जॉ है तो जॉ में पहले पीट है ऐसे और उसके अंदर दांत घुसा हुआ है, सो जॉ के पीट के अंदर टीथ आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट। फेविक्विक का जोड़ नहीं है कि गम है तो चिपका दिया, ऊपर से किसी ने हिट किया तो टूट गया, जॉ है, जॉ में पीट है, उसके अंदर टीथ की रूट दबी हुई है, इसको बोलते हैं थिकोडोंट डेंटिशन। दो बार ह्यूमंस के दांत आते हैं, बच्चों के दांत और बड़ों के दांत, दैट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। इसलिए ह्यूमन डेंटिशन को कहा जाता है डाइफायोडोंट डेंटिशन। डाई मतलब तो और डोंट मतलब दांत, इसलिए ह्यूमन डेंटिशन को डाइफायोडोंट डेंटिशन कहा जाता है। बकल कैविटी में एक और कंपोनेंट है जो है टंग। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, 3 टाइप की मसल्स होती है, दैट इज स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो होती है वो बोन से अटैच्ड होती है, स्केलेटन से अटैच्ड होती है, क्योंकि उनके मूवमेंट से स्केलेटन की मूवमेंट होती है। दे आर स्केलेटल मसल बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटन, दे हेल्प अस टू मूव अवर स्केलेटन द वे वी वांट। स्मूथ मसल्स आर नॉट अटैच्ड टू द बोन्स, दे आर फाउंड इन अवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लीवर, सो टंग इज अ स्केलेटल मसल। ऑल स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू अ स्केलेटन व्हिच इज अ बोन, टंग इज आल्सो अटैच्ड टू अ बोन। टंग बहुत लंबी होती है, नीचे तक उसका बेस जा रहा होता है, बोन पे जाके अटैच्ड हो जाती है, इट इज अटैच्ड टू अ बोन कॉल्ड हायोइड बोन। हायोइड बोन इज द ओनली बोन व्हिच इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन इन अवर बॉडी। सब बोन्स दूसरी बोन से अटैच्ड होती है, हायोइड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी भी बोन से अटैच नहीं होती है। और हायोइड बोन से कौन अटैच्ड होती है? अपनी टंग अटैच्ड होती है। तो टंग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। टंग के ऊपर रेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे रेड स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड पैपिला। इट डज नॉट मीन अ टेस्ट बड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैपिला। पैपिला के पास टेस्ट बड हो भी सकते हैं, टेस्ट बड नहीं भी हो सकते। टेस्ट बड क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसके ऊपर अगर खाना लग गया तो तुम टेस्ट कर पाओगे उस खाने को।
taste bud is a group of cells. If the food attached to this group of cells, you can taste your food. Let's see four types of papilla. First is filiform papilla. Filiform papilla सबसे छोटे छोटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अबर्डन टंग पे यही होते हैं. And there are no taste buds. Taste buds नहीं है, तो ये टंग पे क्या कर रहे हैं? ये whitish कलर के होते हैं. तभी तो तुम्हारी टंग whitish नजर आती है. They are therefore friction. If you chew your food, then you realize कि आप अपने टंग से ही अपने फूड को इधर उधर घुमाते रहते हो. You use your tongue to move the food about. So आपका फूड के और टंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो आपका फूड घुमा ही नहीं पाएगी टंग. सो टू हैव प्रॉपर फ्रिक्शन बिटवीन फूड एंड टंग हैज अ रफ सरफेस एंड रफ सरफेसेस जस्ट बिकॉज ऑफ द मोस्ट अबंडेंट पैपिला दैट इज फिलीफॉर्म पैपिला. देन सेकंड पैपिला इज ये जो रे स्ट्रक्चर है, इनका साइज फिलीफॉर्म से बड़ा होता है, लेकिन उनकी अबंडेंस फिर उसी हिसाब से कम हो जाती है. इसको बोलते हैं fusiform papilla. They are lesser in number and larger in size, and they have taste buds. Taste bud होते हैं, so they will help you taste your food. Third type of papilla, which is not present in adult human being, in children it is present, but जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो present नहीं होता है, उसको बोलते हैं foliate papilla. And the fourth type of papilla, ये जो बड़े वाले दिख रहे हैं least in number, ये अराउंड 12 हमारे पास पैपिला होते हैं, ये टंग के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनको सर्कमवेलेट पैपिला कहते हैं. दे हैव टेस्ट बड्स एंड दे हैव थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बड्स. दिस इज अवर टंग. सो टंग के ऊपर ऐसे रे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको पैपिला बोलते हैं. तो टेस्ट बड क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. जिनके ऊपर खाना लग गया तो तुम टेस्ट कर पाओगे उस खाने को. Taste bud is a group of cells. If the food attached to this group of cells, you can taste your food. So this is our taste bud. Now salivary glands. Salivary glands buccal cavity में present नहीं होते, buccal cavity के बाहर present होते हैं. They are present outside the buccal cavity. They produce a liquid which is called saliva. पहला salivary gland, which is biggest of them all, it is in pair just in front of the ears. They are called parotid gland. यहाँ से saliva produce होता है, यहाँ से इसकी duct जाती है. ऊपर जो maxillary teeth है, उसके पास इसकी duct खुल जाती है, वहाँ से saliva release होता है. Then next salivary gland is sublingual gland. Sub means नीचे and lingual means tongue. ये tongue के just नीचे present होता है, जिसे sublingual gland कहते हैं. उसके भी नीचे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड. मैंडिबल मींस लोअर जॉ, सब मींस नीचे, मतलब लोअर जॉ के भी जो नीचे प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं. इसकी डक्ट खुलती है, जो तुम्हारे मैंडिबल वाले दांत होते हैं जो इंसाइजर से, उनके अंदर के साइड में इसकी सिक्रीशन रिलीज होती है. अब हम देखते हैं इसकी सिक्रीशन कहाँ निकलती है. सिक्रीशन को सलाइवा कहते हैं. उसका फायदा क्या है? अब सलाइवा से तुम्हारे दो काम होने वाले हैं. एक तो तुम्हारा खाना गीला हो जाएगा, उस खाने को बूढ़ी मश बनाने के लिए सलाइवा काम आएगा. सेकंड चीज, जब खाना सलाइवा में मिक्स हो जाता है तो ही अपना टेस्ट दे पाता है. टेस्ट बड पे लिक्विड, जो फूड लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है, सिर्फ वही अपना टेस्ट दे पाता है. तीसरी बात, सलाइवा का केमिकल एक्शन होता है फूड पर. तो फूड का केमिकल एक्शन हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम फूड का केमिकल नेचर नहीं समझ लेते. तो ये समझ लेते हैं कि हमारे फूड में क्या होता है, ताकि हम ये समझ सके कि सलाइवा उसका क्या करेगा. What will saliva do with the food? As we know, we cannot make our own food. All animals without exception cannot produce glucose in their body. हम या तो प्लांट्स को खाएंगे उनका ग्लूकोज लेने के लिए, या हम एनिमल्स को खाएंगे उनका ग्लूकोज देने के लिए, डिपेंडिंग कि हम अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं या नॉन वेजिटेरियन कहते हैं. In either cases, you are eating cells, that is plant cells, or you are eating animal cells. So your food will have all the basic components that a cell has. अब cell के basic components क्या होते हैं? Cell की plasma membrane होती है. Plasma membrane में क्या होता है? Proteins होता है, lipids होता है. तो food का एक component है protein और एक component है lipid. Then हर cell का एक nucleus होता है.
न्यूक्लियस में डीएनए होता है, मतलब डीएनए भी हमारे फूड का पार्ट है, तो हमारे फूड में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, मतलब डीएनए और आरएनए। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत डाइवर्स ग्रुप है। प्लांट्स जब सनलाइट यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, बट दे डू नॉट स्टोर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के एक चेन बना लेते हैं प्लांट्स। उस ग्लूकोज की चेन को स्टार्च कहते हैं। तभी तुम कहते हैं कि स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट्स इज स्टार्च। स्टार्च इज नथिंग बट अ चेन ऑफ ग्लूकोज, वो भी कार्बोहाइड्रेट से। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट से बहुत डाइवर्स ग्रुप है जिसे हम शुगर्स भी कहते हैं। अब डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन इज अ केमिकल एंड फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फिजिकल मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकडाउन कर दिया, एंड केमिकल मीन्स यू विल ब्रेक द बॉन्ड्स एंड यू विल कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर यूनिट्स। अब जब तक तुम्हें पता नहीं है कि वो किस यूनिट से बने हुए हैं, तब तक तुम ब्रेकडाउन कैसे करोगे। सो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च। स्टार्च इज प्रेजेंट इन व्हाट, योर ब्रेड्स, योर चपातीज, योर राइस। स्टार्च इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दिस एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। सो इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज। सो व्हेन यू ब्रेक इट डाउन, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको ब्रेक डाउन करेगा, व्हाट विल यू गेट अल्टीमेटली, ग्लूकोज। सो इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज। सो व्हेन यू ब्रेक इट डाउन, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको ब्रेक डाउन कर लेगा शुगर मॉलिक्यूल्स में। प्रोटीन्स, जितना तुम्हारा मीट है, मिल्क है, मिल्क में बहुत सारा प्रोटीन होता है, ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। सभी प्रोटीन्स छोटे छोटे अमीनो एसिड्स से जुड़ के एक चेन बनाते हैं जिसको प्रोटीन कहते हैं। अब अमीनो एसिड्स जॉइन विद मेनी अदर अमीनो एसिड्स, अल्टीमेटली योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल ब्रेक इट, दैट इज प्रोटीन्स। लिपिड्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, सीड्स, नट्स, ऑलिव्स, इन सब चीजों में लिपिड्स होता है। नाउ लिपिड, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल लो, उसके साथ थ्री फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं। इस पूरे मॉलिक्यूल को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राई मींस तीन, ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अगर तुम एक लिपिड के मॉलिक्यूल को तोड़ोगे, यू विल गेट ग्लिसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड्स, व्हिच विल गेट इजीली एब्सॉर्ब्ड इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इफ यू विल ब्रेक कार्बोहाइड्रेट, यू विल गेट ग्लूकोज। इफ यू विल ब्रेक डाउन proteins, you will get amino acids, and if you will break lipids, you will get glycerol and three fatty acids. Now nucleic acids. Nucleic acid एक चीज होती है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दो तो न्यूक्लिक एसिड्स बन जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को जब ब्रेकडाउन करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड के खुद के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें एक शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम पहले डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक करेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड को भी किस में ब्रेक करेगा, फॉस्फेट में, शुगर में, नाइट्रोजनस बेस में, ओके, और फिर तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से फूड ब्रेकडाउन नहीं करता है। पहले थोड़ा सा कम ब्रेकडाउन करेगा बकल कैविटी में, फिर जैसे जैसे फूड नीचे जाएगा तो और ज्यादा ब्रेकडाउन करेगा। Ultimately, the final breakdown will be done in your small intestine, not before that. So, saliva. Saliva में water होता है, mucus होता है, ions होते हैं, that is sodium, potassium, chlorine and bicarbonate. Then enzymes होते हैं, दो enzymes होते हैं, that is lysozyme and salivary amylase. So lysozyme is an antibacterial enzyme. It kills bacteria, keeps you safe. And salivary amylase starch ke breakdown mein help karega. Glucose ke agar do unit mil jaye to maltose banta hai. So completely it is not broken down into glucose. It is broken down into maltose, which is a two glucose molecule combined. And only 30% starch is digested. सिर्फ 30% स्टार्च तुम्हारे बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है। वो भी ग्लूकोज नहीं बनाता, माल्टोज बनाता है, और क्लोरीन आयन जो है वो सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करता है।
So the function of saliva is it softens the food, it helps in tasting food, it kills bacteria and it digests starch. Saliva में जो food proper mix हो जाता है उसको bolus कहते हैं. So you took your food in which is called ingestion. Then there was some digestion. उसके बाद यहाँ पे bolus बन गया. अब ये enter करेगा pharynx region में. खाना swallow करना उसके लिए एक term है deglutition. So swallowing का फैंसी नाम क्या है? Deglutition. Pharynx में आगे फूड जाएगा एक ट्यूब में जो कि अल्टीमेटली डायफ्रेगम को क्रॉस करेगा और स्टमक में जाएगा. So इस ट्यूब को इसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं. इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, देयर इज ओनली म्यूकस. खाना इसोफेगस में आ गया है, अब इसोफेगस दबा दबा के खाने को पुश करने की कोशिश करेगा. ये मूवमेंट हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में चलती है, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस. अब खाना इसोफेगस में आ गया, अब इसोफेगस दबा दबा के खाने को पुश करने की कोशिश करेगा. ये मूवमेंट हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में चलती है, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, दैट इज पुशिंग मूवमेंट. ये हमारी पूरी जीआईटी में होती है. सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा है? डेंटल फॉर्मूला फॉर बेबीज, दैट इज 2102/2102. देन टीथ के थ्री पार्ट्स क्या है, क्या बोलते हैं हम? डायफाइडोंट डेंटिशन, हेटेरोडोंट डेंटिशन एंड थिकोडोंट डेंटिशन. उसके बाद टंग और पेपिला के बारे में सीखा. उसके बाद सेलेवरी ग्लैंड्स देखे, थ्री टाइप्स के सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं. उसके बाद उसकी सिक्रीशन देख ली, उसमें क्या चीज होती है, उसके फंक्शन क्या है. देन फूड के कंपोनेंट्स देखे कि फूड में क्या होता है. उसको स्वॉलो करने को हम डिग्लूटेशन कहते हैं, उससे फूड फेरिंग्स में जाता है. जब वो इसोफेगस में चला जाता है तो एक पुशिंग मूवमेंट होती है जिससे बोलस नीचे जा सके, उसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं. सो आई रियली होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे साथ अपनी फिजियोलॉजी एक्सप्लोर करें.